हेलो टू वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं UP25 राइडर रजत। तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैंने R15 V2 क्यों चूज़ करी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वाई आई कैन चूज़ R15 V2। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि मैंने ये गाड़ी चूज़ ही क्यों की थी। एक्चुअल में क्या था ना कि मेरे को जो पुराना वाला R1 की सीरीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, उस वजह से मैंने ये बाइक परचेज़ की थी। ठीक है, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसका लुक सिमिलर उसी के जैसा है। इसका लुक आप देख सकते हो, हेडलाइट से, फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लुक लाइक मिनी R1 लगती है। और ये R1 और R6 दोनों से इंस्पायर होकर के बनी हुई है ये बाइक, क्योंकि इसका फ्रंट जो है वो है R1 से इंस्पायर है, और इसका जो टेल सेक्शन है वो इंस्पायर हुआ है R6 से, जो ओल्ड वर्जन की R6 आती थी ये उससे इंस्पायर हुआ है। ठीक है, और बाकी अगर आपको बताऊं कि मैंने ही क्यों चूज़ की, तो बताना चाहूँगा कि ये भाई पहली बात तो इसका कंफर्ट लेवल, क्योंकि जिस टाइम पे ये मैंने परचेज़ करी थी उसके अगले मंथ V3 आ चुकी थी। मेरे को V3 बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे को लीक्स वगैरह सब मिल रहे थे, मेरे को V3 बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि यार जितना वो बताया जा रहा था वो एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक थी, मतलब कि ट्रैक के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पर इस बाइक में क्या था, इसका सीटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है R15 V3 से। ठीक है, और रही बात इसके लुक्स और डिज़ाइन की, तो भाई आप लुक्स तो मतलब मिनी R1 है यार, ये मिनी R1 है, जैसा कि सब बोलते हैं कि ये मिनी R1 है, और सेम वही DNA, वही डेल्टा बॉक्स फ्रेम। फिर इधर आ जाते हैं बैक सेक्शन पे, तो बैक सेक्शन आप देख सकते हो बिल्कुल R6 से सिमिलर है, वही सेम स्विंगम, वही सेम टेल, मतलब सिमिलर लाइक दिस, नॉट अ सेम। तो यही कुछ रीज़न थे कि जिनकी वजह से मैंने इसको परचेज किया था। और जो फाइनल बताता हूँ इसकी बात, वो है कि इसकी परफॉर्मेंस प्लस इसका माइलेज, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट बोलते हैं ना, कि एक बाइक जो आपको पावर भी देती है और आपको अच्छा एवरेज भी देती है और माइलेज भी, तो ये उस बाइक का मिक्सचर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी बाइक अब तक कितनी चला रखी है। तो ये ओडो खोल के चेक कर लेते हैं हम। तो हेयर इट इज़, मेरी बाइक चली है 22,784 किलोमीटर, 22,784 किलोमीटर्स मेरी बाइक चल चुकी है, और उसके बाद भी इसमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने सिर्फ इसमें एक बार इसकी एक्सेलेटर की वायर चेंज कराई है अब तक, क्लच प्लेट है, इंजन में अब तक कोई भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसमें पड़ा हो। मतलब आपको पता है यामा है, जैपनीज है, तो भाई रिलायबिलिटी तो होगी, जाहिर सी बात है। और भाई आप देख सकते हो ये बिल्कुल मिनी R1 लगती है, मिनी R1 आप जिसे कह सकते हो। और जब स्टार्टिंग में मैं इसे देखता था ना, जब मैं छोटा था, ये मेरा ड्रीम है, और मैं ये बस सच बता रहा हूँ, ये बाइक मेरा ड्रीम थी, ये खड़ा हुआ है मेरा ड्रीम। ठीक है, तो जब मैंने ये ली थी तब V3 लॉन्च हो चुकी थी, लॉन्च होने वाली थी, आफ्टर एक मंथ के बाद V3 लॉन्च हो गई थी जब मैंने ये ली थी। तो अगर मैं ओनरशिप की बात करूँ तो बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज, बेस्ट इन सेगमेंट पावर, और बेस्ट इन सेगमेंट लुक के साथ आती है ये बाइक। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो इस बाइक के बारे में तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव यू लाइफ, लिव यू ड्रीम, बूम।